हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ेंगे इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो इतिहास के वैदिक काल नामक पाठ से लिया गया है। तो वैदिक काल से परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा कोई भी हो, जहां इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं उनमें वैदिक काल से अक्सर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन्हीं प्रश्नों में से हमने ये अपने वैदिक काल के दूसरे वीडियो में 25 प्रश्नों का संग्रह लिया है, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं उनमें से अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, कहां हुआ था? सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग कहां हुआ था, ये आपको बताना है। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद। यजुर्वेद होना चाहिए, यहां थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको सही कर लीजिएगा इस प्रकार से, यजुर्वेद। तो अब चलिए देखते हैं जो ऑप्शन इसमें सही है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था तो कहां हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सबसे पहले गोत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था, लेकिन गोत्र प्रथा अगर दी जाए तो इसका जो उल्लेख मिला है वो हमें मिला है अथर्ववेद में। तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना है, गोत्र प्रथा का कहां उल्लेख है अगर ये पूछा जाए तो आपको बताना है अथर्ववेद, और अगर गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ है तो ऋग्वेद में हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सभी वेदों के बारे में आपने हर वीडियो में आपने पढ़ा है, और ज्यादातर आपने देखा है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं और इनमें से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, लेकिन जो शेष बचे थे क्वेश्चन उनको आज हम इस वीडियो में शामिल करके उनकी भी पूर्ति कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था मुख्य रूप से? ऑप्शन नंबर ए भक्ति, बी में है मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी में है प्रकृति पूजा और यज्ञ, और डी में है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो आप ध्यान ये दीजिए कि ये यज्ञ तो किया करते थे, इसके बारे में आपने समझा सीखा था जब हमने इसको पढ़ाया है वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, तो आपको हमने समझाया था। और देखिए, प्रकृति की पूजा ये किया करते थे, ये सही है। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन तो गलत हो गया और सी ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर टू का। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि और कर्मकांड में। तो देखिए, ऋग्वेद काल में जनता जो मुख्य रूप से विश्वास करती थी वो बलि और कर्मकांड में विश्वास किया करती थी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर, और क्वेश्चन नंबर फोर है, प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध जिसे दशराज्ञ युद्ध भी कहा जाता है, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी नदी। तो ये आपका परुष्णी नदी पर युद्ध लड़ा गया था, जो सुदास का वर्णन जिसमें किया गया है, और दस राजाओं के बीच का ये युद्ध था, इसलिए दशराज्ञ युद्ध भी इसको कहा गया, और ये युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? मतलब ये
इन नामों से किसको कहा गया है, कौन सी नदी है, किस नदी के ये भी नाम है, सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना। तो देखिए ये सरस्वती के नाम है और सरस्वती नदी का उस समय विशेष महत्व था, इसलिए इनको इन नाम से भी बुलाया गया या इनके ये भी नाम हैं जो ऋग्वेद में हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। अब पंचजन में कौन थे, अगर ये याद है तो बिल्कुल आसान है, कौन थे, यदु, द्रहु, पुरु, तुर्वस, अनु। यद्रहु, पुर, तुर्वस, अनु। तो यहां देखिए यद मिल गया, पुर मिल गया, तुर्वस मिला, इसके बाद ये किकट जो है ये नहीं है, इसका मतलब यही जो है पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। प्राचीन काल में आर्यों का, प्राचीन काल की बात की जा रही, तो प्राचीन काल में आर्यों का जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था वो था शिकार करना। क्या किया करते थे, ये शिकार करते थे और उसी से अपना भरण पोषण किया करते थे, बाद में ये कृषि पर भी आश्रित हुए। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य जो साधन था वो था क्या, शिकार, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है, मतलब यव का दूसरा नाम क्या है या किस अनाज को यव कहा गया। तो या को जा आप समझ लें, यव को जव समझें, तो ऑप्शन नंबर ए जव को कहा गया यव, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 8 का ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली निरंकुश थी, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी, वंश परंपरागत राजतंत्र था। तो देखिए राजतंत्र तो था और राजा पर नियंत्रण भी करने के लिए सभा और समिति की बात बताई गई है आपको, और सभा और समिति को का क्या कहा गया है, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये राजा पर जो है थोड़ा सा नियंत्रण करने का भी कार्य करती थी, लेकिन देखिए निरंकुश नहीं था, प्रजातंत्र नहीं था, गणतंत्र भी नहीं था, तो वंश परंपरागत राजतंत्र था, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 का डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो सी है मंत्री परिषद थी, मींस मंत्री वगैरह हुआ करते थे, ऑप्शन नंबर सी मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन जो सभा थी वो कैसी थी, मंत्री परिषद थी, क्वेश्चन नंबर 10 का सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। देखिए अभी हम इनकी चर्चा कर रहे थे और ये आपके क्वेश्चन के रूप में आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कौन सा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में चर्चा की गई है कि सभा और समिति क्या है, ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो कहां कहा गया है, अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। देखिए आयुर्वेद का बड़ा महत्व था क्योंकि इलाज आयुर्वेद के ही माध्यम से होता था, तो जीवन का विज्ञान इसीलिए इसको कहा गया। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहां, आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो ऑप्शन नंबर डी
अथर्ववेद में ही इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 12 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, मतलब ऋग्वैदिक जो है ऋग्वैदिक काल के जो ऋग्वैदिक जो सूत्र हैं, ऋग्वेद के जो सूत्र हैं वो सबसे ज्यादा किसको समर्पित हैं? तो ऋग्वेद के जो सबसे ज्यादा सूक्त हैं वो समर्पित हैं इंद्र को, ऑप्शन नंबर बी, 13 का बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं वो किससे हैं? सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं वो अग्नि से हैं। यहां देखिए इंद्र की चर्चा नहीं की गई है इस क्वेश्चन में, अग्नि से हैं, वरुण से, विष्णु से, यम से, तो देखिए अग्नि से ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, अग्नि से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे समझा जाता है ये आपको बताना है। तो इंद्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था और यही युद्ध के देवता थे, 15 का बी इंद्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था आपको बताना है। अभी ही हम बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इंद्र, सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे, 16 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र की बात की जा रही, किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र उपनिषद में, भगवद गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। तो गायत्री मंत्र जो मिलता है वो मिलता है किसमें? ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। क्या है? गायत्री मंत्र, जो किसको समर्पित है? सविता को या सावित्री को। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा परीक्षा में, और अक्सर पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, किसको समर्पित है? तो सविता को, सूर्य देवता को। तो गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र से अक्सर परीक्षा में प्रश्न आते हैं इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र जी ने, ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपने पढ़ा है अष्टादश पुराण, अष्टादश मीन्स 18 पुराण है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो श्रीमद् भागवत गीता किस में लिखी गई थी? तो सबको लगभग मालूम होगा, 20 का ए संस्कृत में लिखी गई थी। श्रीमद् भागवत गीता किस में लिखी गई थी? संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय में। तो ये सब काम जो हुआ कब हुआ? धर्मशास्त्र के समय में, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद, इस प्रकार से दिया जाएगा, मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद, इसका संधि कर दिया गया, ये विच्छेद है, मुंडक धन उपनिषद, और इसका अगर संधि करेंगे तो मुंडकोपनिषद हो जाएगा।
आधन उ बराबर ओ, तो क्या हो जाएगा मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो थी ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, भारत से, भारत से तो नहीं है, ऋग्वेद है, और वैदिक काल वेद है, अवेस्ता लेकिन कहां से संबंधित है? ईरान से, इज़राइल से और मिस्र से। तो यह है आपका ईरान से, ऑप्शन नंबर बी 24 का बी, ईरान से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और जो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो आपको हम उसका आंसर नहीं बताएंगे, आपको उसका आंसर क्या करना है कमेंट के थ्रू बताना है। तो वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया था या माना गया है? तो वैदिक काल में जिस जानवर को अघन्या माना गया, मीन जिसको ज्यादा सम्मान दिया गया कि मारे जाने योग्य नहीं है और पूजनीय है, वो है क्या? गाय, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? आचार्य कहलाता था, अध्वर्यु कहलाता था, उपाध्याय कहलाता था या पुरोहित कहलाता था? यह आपको स्वयं से बताना है, इन्हीं चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।